कोरोना के साथ साथ अब डेंगू को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग चिंतित दिख रहा है। डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिला के सभी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट किया गया है। ये जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि गर्मी के आते ही प्रदेश में डेंगू दस्तक देता है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर भी पहले ही अलर्ट हो चुका है और एहतियातन कदम विभाग द्वारा उठाने शुरू कर दिए गए हैं। विभिन्न विभागों को भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि वे भी डेंगू के नियंत्रण में स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें। जिला स्वास्थ्य अधिकारी एनके गुप्ता ने बताया कि जिला के विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं और पानी की टंकियों को साफ करने और उन्हें ढकने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत और नगर परिषद ने अपने क्षेत्रों में कैसे फॉगिंग करनी है और किस घोल का छिड़काव करना है, ये जानकारी भी उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए कई तरह के जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। साथ ही गांव, पंचायतों, औद्योगिक क्षेत्रों में पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं ताकि लोगों के साथ साथ आम जनता को भी जागरूक किया जा सके और सभी डेंगू और मलेरिया से अपना बचाव कर सकें। हमने एक एडवाइजरी जारी की है जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को दी है, जिसके तहत हमने ये बताया है कि किस डिपार्टमेंट को क्या काम करना। नंबर एक का, नंबर दो कि डेंगू का जो हमारा मच्छर है वो ना फैले, उसको लेते हुए हमें क्या क्या एक्टिविटी करनी है। सबसे पहले तो हर एक डिपार्टमेंट को ये एडवाइजरी भी दी गई है कि वो अपनी जितनी भी टैंकियाँ हैं उनको साफ करवा ले और उन टैंकियों को कवर करके रखे, क्योंकि जैसा पता ही है कि जो हमारा डेंगू का जो मच्छर है, मॉस्किटो है, वो बेसिकली साफ पानी में ही पनपता है। इसको देखते हुए दूसरी ये भी हमने एडवाइजरी जारी है कि अपने अपने एरिया में जहाँ जहाँ जैसे कि कमेटीज़ हैं या हमारी पंचायत हैं, वो अपने एरिया में फॉगिंग करने के लिए एक प्लान आउट बनाए और कैसे ये करना है, किसके द्वारा करना है, कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है, उसकी एडवाइजरी भी हम जारी कर चुके हैं कि कौन कौन सी दवाई किस रेशो में यूज़ करनी है। और ख़ासकर सबसे बड़ी बात जो ये है कि छोटे छोटे चीज़ें लेकर कि कहाँ पर ये पनपता है, जैसा कि हमारे अगर गमला है, गमले के नीचे छोटी सी एक थाली रखी होती है, बहुत से मच्छर वहाँ पनपते हैं। हमारे जो एसी है लगाए हुए लोगों ने या कूलर्स लगाए हुए हैं, उसका जो पानी है लोग बदलते नहीं हैं, वहाँ पर पनपते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी देने के लिए हमने कुछ पैम्फलेट्स भी बनाए हैं जिनके द्वारा हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं। हमने बहुत से कुछ पंचायत में मलेरिया और डेंगू को लेकर हमने जागरूकता अभियान भी स्टार्ट किया है, जिसके तहत कि लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि हम कैसे डेंगू और मलेरिया से बच सकते हैं।